हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ क्लास 10 जनरल साइंस चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसका वो नेक्स्ट पार्ट के पार्ट लेके आया हूँ। उसमें क्या है, पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या, दो ट्रांसपेरेंट मीडिया हो, उसे एक मीडिया से जब लाइट दूसरे मीडिया में एंटर होता है, वो बाउंड्री ऑफ टू मीडिया में क्या होता है, वो लाइट का डायरेक्शन चेंज होकर चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अभी देखिए ये एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये एटमॉस्फेयर किससे बनता है, ये आप लोग को पता है। ये एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वो बहुत सारा गैस का क्या होता है, जैसा मिक्सर होता है, उसमें क्या धूल वगैरह या डस्ट पार्टिकल्स, जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब भी रहता है। तो इसलिए ये जो एटमॉस्फेयर है, ये हर लेयर में ऊपर नीचे हर जगह में आपका क्या एक ही डेंसिटी होता है क्या, नहीं, ये भी नहीं होता है। वो नीचे में क्या होता है, डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, और ऊपर में जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, और डेंसिटी थोड़ा थोड़ा से कम मिलेंगे, मतलब वो लाइटर मीडिया बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोग का एक फेनोमेना आ गया है, क्या है वो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। जो स्टार क्यों ट्विंकलिंग करता है, कभी चमकता है कभी डीप हो जाता है, क्यों, हाँ, इसे लाइट तो हमारा ट्विंकलिंग नहीं करता है, वो स्टार भी लाइट देता है, वो सोर्स ऑफ लाइट है, ट्विंकलिंग हो जाता है क्यों। देखिए जब स्टार से जब लाइट आता है थ्रू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का अंदर से आ जाता है, तब क्या होता है, वो जब एटमॉस्फेयर में घुस जाता है, एंटर होता है, तो पहले बोल चुका है क्या, जो एटमॉस्फेयर का ये जो मिक्सर ऑफ डिफरेंस पार्टिकल्स, इसका जो डेंसिटी है वो नीचे ऊपर में एक ही नहीं रहता है, वो क्या है, ऊपर में क्या होता है, लाइटर होता है, और यो नीचे में क्या होता है, डेंसर होता है। और ये जो चेंज है डेंसिटी का, ये डेंसिटी का चेंज इतना बड़ा नहीं है, जे ये देखिए जे वाटर से लाइट ग्लास में चला गया, कितना डेंसिटी का फर्क हो गया, ग्लास से एयर में गया कितना डेंसिटी का फर्क हो जाएगा, डिफरेंस होंगे। लेकिन ये हमें क्या, ये जो डेंसिटी आपका चेंज हो रहा है वो तो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, धीरे धीरे धीरे, ये लेयर से ये लेयर थोड़ा सा, ये लेयर से ये लेयर थोड़ा सा ऐसा करके करके ये एकदम नीचे तक आने से वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा क्या होता है, वो डेंसिटी चेंज होने लगता है। लेकिन वो क्या होता है, धीरे धीरे जब लाइट वो स्टार से आने लगता है, तब तो वो लाइट ये एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली वो रिफ्रैक्शन होते रहता है। आके जब हमारा जो ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर, ये मान लीजिए ये ऑब्जर्वर, ये स्टार से क्या हो रहा है, ये लाइट आने लगा, ये मान लीजिए ये क्या है, ये आपका नॉर्मल है, तो ऐसे ये इधर इस तरह क्या है, लाइटर है, इस तरह क्या है, नीचे में डेंसर है। जब यहाँ में मान लीजिए ये मीडिया का डिफरेंस बता रहा है, तो यहाँ में क्या, ये नॉर्मल है, ये जो डेंसर मीडिया है, इसमें घुसने के बाद ये क्या होता है, एंटर होने के बाद ये लाइट ये नॉर्मल का पास में चला जाएगा, पहले भी बोल चुका है, तो ये पास में चला जाएगा, तो ये बैंड हो गया। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है, हम लोग जो लाइट का जो पाथ है लाइट, वो तो हम लोग को कभी बैंड दिखता ही नहीं, वो हमेशा स्ट्रेट होता है। तो इसलिए आपका जो ये ऑब्जर्वर है, ये क्या करेगा, ये इसका ये सीधा में ऐसा नजर में आएगा, उसके लाएगा क्या, ये लाइट यहाँ से, ये सीधा यहाँ से आ रहा है, लेकिन लाइट आया कहाँ से, इधर से आ गया, वो कैसे लगता है, वो कहाँ से आना लगता है, लगता है क्या, यहाँ से आ गया, मतलब क्या, ये तो आपका पार्शियल है, अपरेंट है, ये आपका रियल है, ओरिजिनल है, मतलब ओरिजिनल प्लेस से
जब लाइट आता है एटमॉस्फेयर में, हम लोग ऑब्जर्व करता है, तो कोई ओरिजिनल प्लेस दिखाई नहीं देता है। कोई भी आपका प्लैनेट्स हो, कोई भी आपका प्लेनेट हो, कोई भी आपका स्टार हो या सन हो, उससे जो जहाँ से ओरिजिनल ओरिजिनल का वो पोजीशन, वो स्टार या सन या आपका प्लेनेट्स, उसका ओरिजिनल पोजीशन हमको कभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि यह में आपका एटमॉस्फेयर है। और बिना एटमॉस्फेयर से, ये एटमॉस्फेयर नहीं होंगे तब तो ओरिजिनल पोजीशन में दिखाई देंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आने से इसका क्या डायरेक्शन चेंज ही होंगे, और डायरेक्शन चेंज इसको स्टेट करेंगे तो ऐसा ही पोजीशन मिलने वाले है। तो ये पोजीशन आपको क्या कहेगा, ये आपका अपेरेंट पोजीशन है, अपेरेंट पोजीशन, ठीक है। और ये था आपका रियल पोजीशन, मतलब जो अपेरेंट पोजीशन है हम लोग जहां में दिखाई देता है, जो स्टार जहां पे हो उससे थोड़ा सा ऊपर में दिखाई देता है, नीचे नहीं ऊपर में दिखाई देता है, स्टेट करने से ऊपर में चला जाता है। तो इसलिए रियल पोजीशन में स्टार को नहीं दिखाई देता, वो ऊपर में दिखाई देता है। फिर आइए, वो ट्विंकलिंग क्यों होता है। अभी देखिए, ये तो आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ में आपका डिफरेंट सारा गैस का पार्टिकल्स है, और ये भी आप लोग जानते होंगे जो एटमॉस्फेयर का जो मॉलिक्यूल्स होता है, पार्टिकल्स होता है, गैस वगैरह वगैरह, ये सब क्या, ये सब स्टेबल है क्या, रिजिड है क्या? नहीं, कभी रिजिड नहीं है। ये लोग हमेशा क्या, ये इधर उधर मूव करते रहता है। ये जैसा हवा आ गया तो इधर थोड़ा ये हो गया, हवा कम हो गया, इससे हो गया, मतलब ये सब क्या हमेशा वो मूव करते रहता है, स्टेबल नहीं है। इसलिए जब लाइट यह में आ जाता है, घुसता है, तब क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होने से, इधर इधर हिलने से, ये जो लाइट का कभी ऐसा भी होता है, ये जो लाइट आता है इसका पाथ भी क्या होता है, ऐसा आपका बैंड होने लगता है, डायरेक्शन चेंज होने लगता है ऐसा। तो इन्हें ऐसा होने से क्या होता है, ये कोई में भी दिखता है कि कभी कभी लाइट ज़्यादा आ रहा है, ठिककार, और कोई में भी ये आपका क्या लाइटर हो रहा है, वो आपका लाइट कम आ रहा है, लाइट का ये इंटेंसिटी कम आ रहा है, और कोई में भी कि लाइट कभी कभी ज़्यादा आने लगा, कभी कम आने लगा। जब कम ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा लाइट आ जाता है, तब हम लोग को क्या नज़र में आता है, ये ब्राइट हो गया। जब ये बहुत सारा कम हो गया, लेकिन ये जो वेरिएबल, ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है, ये इतना लॉन्ग टाइम का नहीं, ये शॉर्ट टाइम में होते रहता है हमेशा, ये सेकंड में होता है, माइक्रो सेकंड में होता है। इसलिए क्या, कभी ऐसा लगता है क्या, ये ब्राइट हो गया, कभी ये क्या हो गया, ये डीप हो गया। जब ब्राइट और डीप होने लगता है तो हमको लगता है क्या, ये चमक रहा है, कभी ब्राइट हो रहा है, कभी डीप हो रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, ये फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है क्या नहीं है। तब अभी सोच लीजिए, जो ये स्टार तो ट्विंकलिंग कर रहा है, जो प्लेनेट होता है वो प्लेनेट क्यों ट्विंकलिंग नहीं होता है, नहीं करता है, क्यों? मान लीजिए ये आपका प्लेनेट है, ये स्टार बहुत बहुत दूर में है, लेकिन प्लेनेट क्या होता है, ये जो अर्थ का है वो पास में होता है, इतना दूर में नहीं होता है कंपैरेटिवली। और एक बात है, जो प्लेनेट है, प्लेनेट का तो अपना खुद का कोई लाइट है ही नहीं, वो लाइट कहाँ से मिलता है, स्टार से, वो सन से मिलता है। जब ऐसे आपका जाता है लाइट, ये स्टार से मान लीजिए एक ही लाइट आ रहा है, जब ये आपका कहाँ पे, ये आपका प्लेनेट है, प्लेनेट यहाँ से जब आपको लाइट यहाँ में एंटर होंगे, उनके जब हमारा अर्थ में पहुँचेंगे, हम लोग का आँखों में आ जाएंगे, तब ये आपका जो पाथ है बहुत सारा शॉर्ट पाथ है, और यहाँ में आपका बहुत सारा लाइट आने लगता है, ऐसा बहुत सारा आता है एक, लेकिन ये प्लेनेट का अपना लाइट है ही नहीं। जब ऐसा बहुत सारा लाइट सब यहाँ से आता है, तो ये जो एटमॉस्फेयर जो है, पार्टिकल्स से,
इसके बहुत सारा लाइट टकरा के इधर इधर भागने लगता है, इधर इधर जाता है। और इसमें से मान लीजिए यहाँ में हम लोग 100 का लाइट का पार्टिकल्स मान लिए आ रहा है, इसमें से आपका क्या, ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ये एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल्स है उसको टकरा के इधर इधर जाएंगे। और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 5 या 6 या 10 ही लाइट क्या आएगा, ये हमारा आँखों में पोस पाएगा। तो हम लोग यहाँ में क्या 10 100 ले लिया, वो हमें आ गया क्या 10 आ गया 100 से। तो 100 आने से वो क्या चमकता था, वो ब्राइट होता था, लेकिन तो 100 आया नहीं, 10 आ गया, 5 आ गया, तो 5 इतना चमक पाएगा क्या, इसको चमक पाएगा नहीं पाएगा, मतलब ये ट्विंकलिंग नहीं होंगे, क्योंकि सारा से सारा लाइट यहाँ में आता ही नहीं प्लेनेट से, क्योंकि ये बहुत सारा ये नज़दीक में होता है, किसका, अर्थ का। और ये इसको कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्स, ये एक्सटेंडेड सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स मतलब बड़ा सोर्स है। और स्टार क्या, ये स्मॉल, ये बहुत सारा दूर में आता है, इसलिए ये आपका क्या, ये जो प्लेनेट है, प्लेनेट का जो ट्विंकलिंग वो आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका जो ब्राइटनेस है, जब ये मैं 5 ही आ गया, ले लिया था कितना 100, तो इसको जब एवरेज करेंगे तब ऐसा लगेगा एक भी नहीं हो, तो 0.1 में आएगा, आ जाएगा 0.01 में आ जाएगा, 0.01 आएगा तो वो आँख में क्या काम करेगा, वो तो काम ही नहीं कर रहा है, उसका तो वो इसका इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या, ये आपका क्या होंगे, इसका ये जो ट्विंकलिंग है वो नालीफाई हो जाएंगे, नालीफाई मतलब एम्प्टी, कुछ नहीं, वो ट्विंकलिंग होंगे ही नहीं। इसलिए क्या होता है, ये जो आपका प्लेनेट ट्विंकलिंग नहीं होता, लेकिन क्या स्टार ट्विंकलिंग होता है। और ये एटमॉस्फेयर का ऊपर में चला गया, मान लीजिए जो एस्ट्रोनोमर है, हम लोग यहाँ में है, यहाँ तक तो आपका एटमॉस्फेयर है, यहाँ में गया, तो यहाँ में जाके हम लोग क्या देखेंगे, बोलिए, यहाँ से हम लोग जो उसके क्या देखेंगे, ये डार्क देखेंगे, डार्क क्यों, क्योंकि यहाँ में कोई पार्टिकल्स होता नहीं, ये एटमॉस्फेयर का ऊपर में कोई पार्टिकल का मिक्सर, कोई कुछ वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता। जब पार्टिकल्स होता ही नहीं तो इसको क्या रिफ्लेक्ट या टक्कर किससे होंगे, टक्कर होके जब आँख में आ जाता है लाइट का, तब तो हमको मालूम पड़ता है जी ये है, इसका इमेज फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ में कोई टक्कर होने वाला ही नहीं, तो यहाँ में कुछ पार्टिकल ही नहीं, तो यहाँ में कुछ टक्कर वक्कर कुछ नहीं होंगे, मतलब क्या, यहाँ में आपका डार्क दिखाई देंगे। हालांकि तुम्हारा ये जो लाइट है ऊपर से आ रहा है, लेकिन यहाँ में आपका कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्या कुछ है ही नहीं है इसमें दिखने वाले में, तो ये आपका क्या होंगे, मतलब यह हमको डार्क दिखाई देंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया जे क्या है, जे ये लाइट, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, प्लेनेट क्यों नहीं होता है ट्विंकलिंग, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे मैं और एक टॉपिक्स लेकर आया है आप लोग के लिए, क्या है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। नाउ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्या है, जब सन हमको राइज हो जाता है, होता ही नहीं, उससे पहले हम लोग को क्या होता है, ये सन को दिखाई देने लगता है, और सन सेट हो जाता है ओरिजिनली, वो भी सन को दिखाई देने लगता है। मतलब क्या, मान लीजिए ये आपका होराइजन है, ये लेयर है, तो जब सन यहाँ में होंगे तब हमको दिखाई देने लगेगा, और सन जब यहाँ में पोसेंगे तब हम लोग को लगेगा ये सन, तब ओरिजिनल में क्या है, सन सेट होगा। लेकिन जो ये जो फेनोमेना है, ये भी आपका क्यों होता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन के लिए होता है, जो एटमॉस्फेयर से जब आता है तब ये इसका रिफ्रेक्शन होता है, वो क्या आपका क्या यहाँ में इसे आता है, ये बैंड होके। फिर जो ये ऑब्जर्वर है,
इसका लगेगा क्या, ये ऐसा यहाँ में है, सन कहाँ में है, ये हॉराइजन जो लेयर है लेयर का ऊपर में आ गया है, तब उनको क्या लगेगा, ये सन राइज हो गया है, क्योंकि सन दिखने लगा मतलब क्या है, जब हम लोग को आँखों में सन दिखने लगेगा तो हम लोग क्या कहेगा, ये सन राइज हो गया। ओरिजिनल में क्या हुआ क्या नहीं वो तो पता नहीं, तो ये सन राइज हो गया। फिर सन जब क्या होंगे, ओरिजिनल में यहाँ में आ गए यहाँ में, तब सन क्या हो गया, मार्स हो गया। तब सन क्या होता है, ये मार्स हो गया। फिर मतलब सेट हो गया, फिर ये सन यहाँ में जब आएंगे ओरिजिनल में यहाँ में तब दिखाई देंगे, फिर सन जब यहाँ में आएंगे तब ये इसका यहाँ में दिखाई देंगे। मतलब यहाँ में तो कभी पोसता था, लेकिन तब हम लोग के क्या सन दिखाई देने लगा, जब यहाँ तक आ गया तब भी सन दिखाई देने लगा, लेकिन यहाँ में आने के बाद ये इधर जब आएगा तब सन को दिखाई देने नहीं लगा, मतलब सन सेट हो गया। लेकिन सन ओरिजिनल में जब यहाँ में होंगे, यहाँ में होंगे तब ओरिजिनल में तभी सन सेट हो गया, लेकिन तब सन हमको दिखाई देने लगा क्योंकि यहाँ में दिखाई देने लगेगा। जब धीरे धीरे इधर इधर पहुँच जाएगा ये भी धीरे धीरे आके यहाँ में जब आएंगे तब हम लोग सोचेंगे कि सन अभी सेट हुआ, लेकिन क्या सन तो पहले ही ये ओरिजिनल पोजीशन यहाँ में जब था तभी तो सेट हो गया। फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना सारा आपका ये पोजीशन हिलने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, ये 2 मिनट टाइम लगता है, क्या 2 मिनट टाइम लगता है। मतलब इसलिए हमको ऐसा लगा क्या, जे सन जब राइज होता है उसे 2 मिनट्स पहले दिखाई देता है, और सन जब सेट होता है ओरिजिनल में यहाँ में होता है तब सेट हो जाता है, लेकिन तब तक हमको ये सन दिखाई देता है, हम लोग सोचेगा सन सेट हुआ नहीं, जब यहाँ में पहुँच जाता है तब ये पार्शियल अपेरेंट पोजीशन यहाँ में आता है, तब हम लोग को लगता है कि सन सेट हो गया। मतलब यहाँ तक आने से भी क्या 2 मिनट टाइम लगता है। तो ये वजह से ये एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन के लिए हम लोग क्या होता है, जे सन राइजिंग एंड एडवांस राइज लगता है 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स क्या होता है डिले भी लगता है, डिले होता है। फिर आए स्केटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ में आएंगे आपका टिंडल इफेक्ट है, क्या नहीं टिंडल इफेक्ट। इतना बताए भाई टिंडल इफेक्ट क्या है। ये जो टिंडल इफेक्ट है ये तो हमको 9 में कंप्लीट कर चुका है, यहाँ में भी थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। ये जो टिंडल इफेक्ट है, ये टिंडल इफेक्ट कहाँ में होता है, वो एक कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है, जो होमोजेनियस सॉल्यूशन से उसका पार्टिकल्स क्या होता है थोड़ा बड़ा होता है। जो पार्टिकल्स जब बड़ा होता है वो सस्पेंड होता है, तब क्या होता है लाइट जब पास होके जाता है उससे, वो पार्टिकल से क्या वो टकराता है, टकरा के वो क्या इधर उधर भागता है, और उसका लाइट का जो डायरेक्शन है उसको दिखाई देने लगता है पाथ, जो इस तरह लाइट गया है, ये लाइट गया है, तब हम लोग क्या कहते हैं वो जो फेनोमेना है उसको क्या कहते हैं टिंडल इफेक्ट है। जैसे जब कोई में भी सपोज आप क्या है वो अभी बारिश में आपको क्या वो कार में गाड़ी में जा रहा है, अंधेरा में जब लाइट मारेंगे तो वो लाइट को वो दिखाई देंगे, क्योंकि वो जो वाटर पार्टिकल्स बड़ा बड़ा जो पार्टिकल्स है वो उससे अंदर से वो पास होके जाता है तो वो टकराता है, तब उसको पाथ दिखाई देने लगता है। ये कैनोपी में भी होता है, जब फॉग होता है वो फॉग में भी जब लाइट मारता है तब भी उसका क्या होता है वो पाथ दिखाई देने लगता है। तो ये जो टिंडल इफेक्ट मतलब जो पाथ है लाइट का जो पाथ है कौन सा डायरेक्शन में किस कहाँ में जा रहा है वो जो दिखाई देने लगता है वो जो फेनोमेना है उसको क्या कहते हैं टिंडल इफेक्ट है। मतलब इट इज़ अ फेनोमेना वेयर द लाइट आर विजिबल
द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल इज कॉल्ड व्हाट टिंडल इफेक्ट। और ये हम लोग को कहा, ये हम लोग को डेली लाइफ में जब बारिश होता है वहाँ में लाइट मारने से होता है, कोई में स्मोक होता है, फॉग होता है, इसमें क्या लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है, तो आप इसका क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अभी आइए और एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंस एक फेनोमेना है जिसके कहते हैं क्या, व्हाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू, why is the color of clear sky blue। ये तो हम लोग देख रहे हमेशा ही दिखता है क्लियर स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, क्यों? अभी देखिए, ये मान लीजिए ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका अर्थ है, ठीक है, हम लोग यहाँ में है, हम लोग यहाँ में है, ये आपका दोपहर की टाइम है, दोपहर की टाइम है, ठीक है, यहाँ से आपको क्या लाइट आने लगता है, लाइट आ रहा है, तो पहले भी बोल चुका है क्या, तो अब इसका तो रिफ्लेक्शन होगा ही, लेकिन ये जो नून टाइम में जब लाइट आता है तब तो क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कवर करता है, ठीक है। तब तो और एक बात याद कीजिए, जो ये जो लाइट होता है, ये लाइट का कितना कंपोनेंट्स होता है, 7 कंपोनेंट्स, और 7 कंपोनेंट्स का वेवलेंथ क्या होता है, कम ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका, वो रेड का, वेरी गुड, और सबसे कम किसका, वायोलेट का, ये भी वेरी गुड, ठीक है, ये वायोलेट होता है, रेड होता है, ऐसा कम ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। अभी क्या कहेगा, ये जो ये एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स कितना बड़ा है, बहुत सारा छोटा है, बहुत 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 छोटा भी है, और थोड़ा सारा कुछ भी बड़ा भी है, ठीक है। और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जिसका वेवलेंथ जितना भी हो उसका विजिबल होंगे, वो रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, किसने, जिसका पार्टिकल वो वेवलेंथ से बड़ा हो। सपोज ये पार्टिकल्स है और ये आपका वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ छोटा है और ये पार्टिकल्स आपका क्या बड़ा लग रहा है, तो इसको जब टकराएंगे तब तो इसका रिफ्लेक्ट करेंगे, तो मतलब इधर 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 घुस जाएंगे, नहीं तो इधर से आके ऐसे जाएंगे, इधर से आके ऐसा जा सकता है, टकराएंगे। लेकिन मान लीजिए ये इसका पार्टिकल्स बहुत बड़ा है, ये वेवलेंथ बड़ा है, ये पार्टिकल्स छोटा है, तब इसको जब ये टकराएंगे तब इधर 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 से ये निकाल जाएंगे, ये घुस जाएंगे, ठीक है। तब क्या होता है, ये ब्लू क्यों होता है, आपको मालूम है ब्लू का क्या वेवलेंथ बहुत सारा कम है, कम है, और जो रेड एंड रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, और कितना टाइम ज़्यादा है, 1.8 times greater than the blue end, the wavelength of red। तब क्या होता है, ये जो small, very very small small particles, वो किसको जब ये light components जब आता है तब ये जो blue end का जो components है यहाँ में जब घुस जाता है, ये आपका मान लीजिए ये particles है, तो ये जो blue end है ये ऐसा 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 था ऐसा ऐसे, ये पूरा ही पूरा क्या है, ये टकराता है, टकरा के इधर इधर भागने लगता है, और जो रेड एंड है वो सब यहाँ में डायरेक्ट यहाँ में चला आता है, लेकिन ये ब्लू नहीं आ पाता है, तो यहाँ में क्या होता है, ये यहाँ में पूरा ब्लू ही रिफ्लेक्ट होके इधर इधर ये इधर स्प्रेड होते होना दिखाई देने लगता है। तब ये जब हम लोग आँखों ऊपर में डाल देता है तब क्या होता है, ये तो ब्लू ही ब्लू लगता है, क्योंकि यह में तो रेड है ही नहीं, पूरा रेड तो है क्या, और ये जो ब्लू एंड का जो आपका वेवलेंथ शॉर्ट है वो तो
रिफ्लेक्ट होके या इधर इधर चला गया इधर इधर, तो इसको ही दिखने लगता है। तब हम लोग क्या कहते हैं, जे ये जो स्काई है ये पूरा स्काई क्या ब्लू है। तब क्या दिखने लगता है, ये स्काई ब्लू दिखने लगता है, क्योंकि ये इसलिए होता है, ये टू कंडीशन है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है, वेरी वेरी शॉर्ट होता है, और एक है ये ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या होता है, सबसे छोटा होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, शॉर्ट होता है। इसलिए ये शॉर्ट वेवलेंथ का जो कलर है उसको क्या करता है, ये छोटा जो टकराएगा वो किसको टकरा के वो रिफ्लेक्ट कर पाएगा, जिसका वेवलेंथ वो पार्टिकल से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब वेवलेंथ किसका छोटा होता है, ब्लू का, तो ब्लू को टकरा दिया, इधर इधर भागा दिया, इधर आ ही नहीं पाया, इधर ही फंस गया है, रास्ता में ही है। मतलब क्या, जब दिखेंगे ऊपर में तब ये ब्लू ही ब्लू दिखाई देंगे, और ये तो रेड तो आए क्या, मतलब क्या, तब पूरा स्काई हम लोग को क्या लगेगा, ये भाई ब्लू है स्काई, ये ब्लू है। लेकिन जो एटमॉस्फेयर का ऊपर में जाने से वो क्या दिखाई देने का, एस्ट्रोनोमर्स को क्या दिखाई देने का, वो डार्क दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ में वो टकराएगा ही नहीं, कोई पार्टिकल्स ही नहीं, ये पहले भी बोल चुका है। तो इसलिए हमारा क्या है, जो ये कलर ऑफ द क्लियर स्काई क्या है, ब्लू है, क्योंकि ब्लू कलर ही स्केटर होता है। स्केटर क्यों होता है, उसका वेवलेंथ बहुत सारा कम होता है, किससे, जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में है उससे। तो क्या होता है, जो ये कम होने से क्या होता है, ये स्केटर करके इधर इधर स्प्रेड होके रहता है, तो हम लोग को ऊपर में दिखने में वही ब्लू कलर ही नजर आता है। इसलिए क्लियर स्काई क्या होता है, ये ब्लू दिखने लगता है, ठीक है। और एक है कलर ऑफ द सनसेट एंड सनराइज, क्या होता है, रेडिश कलर होता है, क्यों होता है, ये तो पता नहीं, अरे पता ही तो करेंगे आज। मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, ये आपका सन है, ये सेटिंग टाइम, और ये आपका राइजिंग टाइम, ये आप ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, और ये मान लीजिए सन है, ये नून टाइम। अभी देखिए ये जो नून टाइम में जब सन का रेज जब ये एटमॉस्फेयर में आता है, एंटर होता है, कितना लेंथ, मान लीजिए ये आपका 500 मीटर आ रहा है, या किलोमीटर आ रहा है, ठीक है, 500 किलोमीटर ये मान लिया। तब इधर से यहाँ से जब आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पाथ ऑफ द लाइट कम्स थ्रू द क्या है, वो एटमॉस्फेयर से होता है। देखिए कितना लंबा है, ये 500 होंगे तो कम से कम ये तो आपका 1000 ही होंगे, ठीक है ना, ये मान लिया। इधर भी ऐसा क्या 1000 ही मान लीजिए, ये 1000 ही होंगे, ये ऐसा, ठीक है, 1000 ही होंगे, 1000 ये मान लिया। तो यहाँ में जो लाइट ये ऑब्जर्वर का आँखों में जब आता है, तो कौन सा पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर लाइट को करना पड़ता है, ये सेटिंग एंड राइजिंग टाइम में। और एटमॉस्फेयर जब नून टाइम में ये एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा क्या सिर्फ 500 किलोमीटर ही ये ट्रेवल्स करता है, और ये हमें 1000। अभी देखिए बात क्या है, जब यहाँ से ये लाइट चला जाता है, तब यहाँ में तो ये पार्टिकल्स भी है, तब क्या जो वो जो ब्लू लाइट है, वो ब्लू लाइट क्या होता है, पहले बोल चुका है, वो क्या यहाँ में टकरा के इधर 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 चला जाता है, इधर इधर जाता है, इसे चला जाता है क्या नहीं, जाके यहाँ में जाते 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 ये जो ऑब्जर्वर का जो आँखों तक ये ब्लू लाइट क्या पहुँचता जाता ही नहीं, यह में ये ब्लू लाइट का कंपोनेंट्स ऑब्जर्वर का आँखों तक क्या वो नहीं पहुँचाता है, पहुँच ही नहीं पाता है,
उसका पहले ये एब्जर्व हो गया, वो एटमॉस्फेयर में वो निकाली गया, ठीक है। इस तरह भी ऐसा एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, ये ब्लू कलर का जो शॉर्ट वेवलेंथ का जो लाइट है ये एटमॉस्फेयर में रह गया, ये ऑब्जर्वर का आंखों तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत सारा कम है। कम होते ये क्या टकराता है, छोटी छोटी वो पार्टिकल्स में टकराता है, तब क्या वो जो बड़ा वाला के वेवलेंथ का जो रेड कलर है सिर्फ वो आके क्या होता है हमारा ऑब्जर्वर का हम लोग का आंखों में पहुंचता है, पहुंचता है, तब हम लोग क्या दिखता है ये कलर भी रेड है, रेडिश कलर दिखने लगता है, तो क्योंकि ये एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन के लिए है। और किसके लिए है, ये जो वेवलेंथ है किसका, वो कलर कंपोनेंट्स का, उसका कम ज़्यादा है, कम होने से क्या होता है ये पहले टकरा के वो फिनिश हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, या में पहले टकराने से वो पहले से ये डिमिनिश होकर वो ऑब्जर्वर का आँखों तक तो वो पहुँचाता ही नहीं, इसलिए क्या होता है वो आपका ब्लू कलर तो एंड ख़त्म ही हो जाता है, तो अब क्या सिर्फ रेड रेड सिर्फ रेड कलर ही हमारा आँख में पहुँचाता है। इसलिए क्या होता है सन द टाइम ऑफ द क्या है सेट ऑफ द सन राइज एंड द सनसेट द कलर ऑफ द कलर इज व्हाट द रेडिश रेड रेड कलर दिखाई देने लगता है, ठीक है। और एक बात है, मान लीजिए ये जो हम लोग को डेंजर सिग्नल है वो डेंजर सिग्नल में हमेशा दिखाई देता है क्या रेड कलर ही दिखाई देता है, क्यों ये भी यही कारण है, हाँ डेंजर जो सिग्नल है वो रेड कलर में आता है, क्यों वो ब्लू में नहीं आता है, ग्रीन में नहीं आता है, क्यों, क्योंकि ये जो रेड ये जो डेंजर है ये डेंजर है मतलब वहाँ में खतरा है, वहाँ में जाना ही नहीं, वहाँ में जाके होशियार होना चाहिए, तो ये पहले से ही वो तैयार होना पड़ेगा, इसलिए उसको रेट क्या होता है ये आपका बहुत दूर से भी दिखाई देने लगता है। मान लीजिए यहाँ में पूरा फॉग है, फॉग है मतलब ये आपका जो वाटर वेपर पार्टिकल्स वो थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो यह में मान लीजिए यह हम लोग को ब्लू कलर ही कर दिया, ठीक है, यह हम लोग ब्लू कलर था, तो ये जो ब्लू कलर का जो लाइट है ये जो कलर है ब्लू कलर मतलब पूरा ही ब्लू कलर मतलब क्या है, ये कलर ने इसे केमिकल है जब लाइट का पूरा ही पूरा कंपोनेंट्स वो एब्जॉर्ब करके सिर ब्लू कलर को दिखाई देने लगता है, ये ब्लू कलर बन जाता है, ठीक है, तो एब्जॉर्ब तो हो ही गया, वो भी यहाँ से क्या ब्लू कलर आने लगा, लेकिन ब्लू कलर का वेवलेंथ कितना है, ये तो छोटा है, तो ये एटमॉस्फेयर में जब फॉग होंगे स्मोक होंगे हाँ बारिश होंगे इसे हाल में ये क्या करेगा, ये यहाँ में तो टकरा जाएगा, टकरा के यहाँ में क्या होगा ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये यहाँ में ऑब्जर्वर का आँखों तक ये पहुँच ही नहीं पाएगा, मतलब क्या ये डेंजर है क्या रेंजर है कुछ पता नहीं चलेगा तब, है क्या नहीं, तो इसलिए ये जो डेंजर सिग्नल में रेड कलर देता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, ये जो पार्टिकल्स बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है उससे भी इसका वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा होने से ये टकरा के ये यहाँ में ये ऑब्जर्व नहीं होता वो सीधा चला आता है, कहाँ तो ये ऑब्जर्वर का आँखों तक पहुँच पाता है, इसीलिए हम लोग को दिखाई देना ये डेंजर लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्लू कलर ये ब्लैक कलर ये सब दिखने से ये सब देने से वो पहुँच ही नहीं पाएगा, तो हम लोग होशियार भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए क्या ये डेंजर में हम लोग हमेशा रेड कलर ही पसंद करता है, ठीक है, ठीक है। आज यहाँ में ये लेसन को हम लोग कंप्लीट करता है, आप लोग बुक भी पढ़ाई कीजिए और ये भी आप एक दो तीन बार ऐसे आपको देखते रहिए, वीडियो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है, हाँ धन्यवाद।